हरियाणा के पाली धौज रोड के पास पाखल गांव के करीब सुबह 4 बजे गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई है। गौ रक्षकों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में करीब 8 से 10 गायों को कुछ गौ तस्कर कैंटर से कहीं लेकर जा रहे थे, जिसके बाद थौज थाने की पुलिस टीम के साथ मिलकर उस कैंटर का पीछा किया तो पाया गया कि गौ तस्कर ही थे। जब उनका पीछा किया गया तो पाखल गांव के पास गौ तस्करों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कैंटर को रोकने के लिए गौ रक्षकों ने भी कैंटर पर फायर कर टायर पंचर कर दिया, जिसमें 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। बता दें कि मौके पर मौजूद धौज थाने की पुलिस टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गौ रक्षकों द्वारा सुबह करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि पाखल गांव की तरफ से कुछ लोग कैंटर में गाय लेकर जा रहे हैं। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस ने बताया कि कैंटर का पीछा करके कैंटर के साथ 2 लोगों को भी पकड़ा गया है। जांच में पाया गया है कि 8 से 10 गाय, जिनमें से 4 की हालत ख़राब है, जिन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में फिलहाल किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एक बार हम और धौज थाने की पुलिस हम एक साथ थे और हम गश्त पे है। जैसे हमें आदि दिखी है, हमें मुखबरी मिली तो हम इसके पीछे लग गए। पीछे लगने के बाद हमने गाड़ी पकड़ ली पाखड़ गांव में। तो आपको कब सूचना मिली इसकी? करीब ऐसे मिली थी, ऐसे 2-3 बजे की एयरफेयर में मुखबर खास की खबर थी कि कुछ मेवात से कुछ गऊ तस्कर अपने ये फरीदाबाद में गऊ कसी के लिए आ रहे हैं। तो मुखबरी हमने सही मानते हुए अपने हमने धौज थाने को इन्फॉर्मेशन की। धौज थाने की पुलिस और हमारी गौ रक्षक टीम जो भी साथ में अपने टाई अप करके लगे हुए थे, हमें लगने के कुछ ही समय बाद 1 से 1.5 घंटे बाद हमें कुछ गाड़ी तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। उन्हें हमारी टीम ने और हमने रुकने का इशारा किया। इन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ ही दूर पर हमारे बंदे खड़े थे। उन्होंने जैसे ही इनके आगे कांटा मारा तो इन्होंने हमारे ऊपर काफी फायर खोले। हमारे ऊपर गोलियां चली थी और इसमें गोलियां बरामद भी हुई हैं। गोलियां भी चली और इसमें गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। कुछ ही दूर पे हमारी पुलिस खड़ी थी, धौज पुलिस, तो हमने घेराबंदी करके इस गाड़ी का ये मामला जी। करीब सुबह 4-5 बजे का टाइम था। हमारी टीम थी, बाकी गौ रक्षक दल वालों के पास सूचना थी इस बारे में। इनके सहयोग से और पुलिस के सहयोग से हमने ये पाखल के आसपास वहाँ पे इनको घेर लिया, जिन्होंने हमारी टीम पर और इनकी टीम पर जानलेवा हमला किया, गोली चलाई है, और जिसमें 7 गाय अभी ये गौशाला पर उतार दी गई है, और जिनमें ये गाय बेचारी कई 3-4 की हालत ख़राब है। जिनका भी गाय की हालत ज़्यादा ख़राब है? नहीं, एक नहीं, 2-3 की हालत ख़राब है। बाकी देखो क्या होता है, इलाज चला रखा है, डॉक्टर साहब बुला रखे हैं इन्होंने। कहाँ से आपने पीछा करना शुरू किया था? ये जी अपने गोरक्ष दल वालों को सूचना मिली हुई थी पहले। इन्होंने हमारे साहब को नोटिस सूचना दी, हमारी टीम मौके पर आई और पाली से हम इनके पीछे लगे जो पाखल के आसपास ही हमने घेरा। फरीदाबाद में कहाँ से इन्होंने एंट्री ली थी? तो ये तो पीछे से पता नहीं फरीदाबाद से आ रहे या दिल्ली से ला रहे, गाय भर के ला रहे 6-7। अच्छा, 7 गाय भरी हुई है इसमें। और लगभग बता रहे हैं कि गोलियां चली तो किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं? ऐसी कोई गोलियां नहीं चल, पर उन्होंने गोलियां चलाई पर उसे बच गए सभी। सभी बच गए। हाँ। लगभग कितने राउंड फायर हुए होंगे? देखो इसमें तो गिनती तो है नहीं, पर हाँ उन्होंने 5-7 फायर हुए। 5-7 फायर हुए हैं। मुठभेड़ भी हुई है आपस में? हाँ, उन्होंने सीधी गाड़ियां चलाई है, गोलियां चलाई है, पत्थर गाड़ी में आगे पत्थर रख रखे हैं।